नागपुरातील अभ्युदय रुग्णालयात पायसोबतच इतर आरोग्यासंबंधित समस्यांवर ॲडव्हान्स लेझर थेरपीने उपचार केल्या जातात. अत्याधुनिक लेझर मशीनच्या सहाय्याने होणाऱ्या या उपचारामध्ये फार कमी वेळ, खर्च कमी होतो, तसेच कमीत कमी किमतीत हे उपचार होत असून काही वेळानेच रुग्ण आपली दिनचर्या परत सुरू करू शकतो. नागपुरातील अभ्युदय रुग्णालयात मागील 12 वर्षापासून लेझर मशीन बीम मशीन थेरपीने रुग्णांवर उपचार केला जात आहे. लाखो लोकांनी आतापर्यंत उपचाराचा फायदा घेतलाय. आता अभ्युदय रुग्णालयाच्या मनीषनगर येथील शाखेत ॲडव्हान्स लेझर लाईट उपचार सुरू करण्यात आले आहे. यात कॉस्मेटिक लेझर, गायनाकोलॉजी, पोस्ट एकाने स्कार टॅटू रिमूव्हर, परमनंट हेअर रिमूव्हर या सर्व गोष्टींसाठी ॲडव्हान्स लेझर लाईट उपचार उपलब्ध आहेत. या उपचाराचे वैशिष्ट्य म्हणजे या उपचारांमध्ये रुग्णांचा वेळ वाचणार आहे. रुग्ण 10-15 मिनिटाच्या उपचारानंतर आपले काम करू शकतो. यात पेशंटला ॲडमिट होण्याची काहीही आवश्यकता नसते व तसेच कमी किमतीत उपचार केले जातात. या रुग्णालयाला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी पुरस्कार पुणे, राजकृषी सामाजिक युवा पुरस्कार पुणे, महामित्र पुरस्कार प्राप्त आहेत. नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण साहवे, डायरेक्टर अभ्युदय पाईस लेजर हॉस्पिटल, रामेश्वरी स्क्वेयर और मनीष नगर रोड, नागपुर. दर्शकों, आपकी 12 साल से अविरत सेवा हम लोग कर रहे हैं. 12 साल से पाइल्स फिशर, फिशुला, नाली घाव, पायरोनिडल साइनस, प्रोलैप्स रेक्टम आदि बीमारियों में आयुर्वेद के माध्यम से तथा एडवांस लेज़र बीम, जिसको बायोलॉजिकल इलेक्ट्रिकल इम्पेंडेंस ऑटो मेजरमेंट सिस्टम कहते हैं, इन सारी तमाम लेज़र के माध्यम से हम सेवा कर रहे हैं. इसमें एड ऑन हम लोगों ने हमारे नए सेंटर पर मनीष नगर रोड पर जो सेंटर है वहाँ पर टैटू रिमूवल, परमानेंट हेयर रिमूवल, PRP ट्रीटमेंट फॉर हेयर्स, हेयर ग्रो के लिए नए प्रकार के लेज़र्स, इन सारी तमाम सुविधाओं को हमने इकट्ठा किया है. और ये सब सुविधाएं जो है वो OPD बेस्ड ट्रीटमेंट है. इसमें आपको एडमिट रहने की आवश्यकता नहीं है. OPD बेस आप आ सकते हैं, 10 से 15 मिनट का 20 मिनट का सेशन लेके आप जा सकते हैं. तो आज हम बात करेंगे, जैसे कि अभी वर्षा ऋतु चल रहा है, वर्षा ऋतु में होने वाले पाइल्स की जो बीमारियाँ हैं. पाइल्स वैसे देखा जाए तो पाइल्स यानी गुदभाग में होने वाली जो मांसांकुर है या वहाँ की गुदवलियों में जो वेंस रहती है वो फूलना, इसको पाइल्स कहा जाता है. इसके 4 प्रकार होते हैं. पहला जिसमें ब्लड जाता है, दूसरा मस से बाहर आते हैं, अपने आप अंदर चले जाते हैं, तीसरा मस से बाहर आते हैं, हाथ से अंदर डालना पड़ता है, और चौथा मस से हमेशा के लिए बाहर रहता है. वैसे देखा जाए तो बवासीर में दर्द कभी नहीं होता है. पाइल्स इज़ अ पेनलेस कंडीशन. दर्द जो होता है वो आखिरी स्टेज में जब पाइल्स जाते हैं तभी होता है. तो अगर आपको गुदभाग में मोशन करते समय दर्द हो रहा है तो ज़रूरी नहीं आपको पाइल्स है, आपको फीशर भी हो सकता है. अब ये फीशर क्या होता है? फीशर यानी गुदभाग में कड़क संदास होने से, हार्ड स्टूल होने से चीरा पड़ता है और उसको फीशर कहा जाता है. और इसी के कॉम्प्लिकेशन स्वरूप आपको पोस्ट फीशर फिशुला यानी भगंदर या नाली घाव भी वहाँ पर हो सकता है. भगंदर और फीशर में ये विशेषता होती है कि भगंदर में वहाँ से पस या मवाद आता है, इसमें दर्द होता है और निरंतर पस बहने से वहाँ पर ईचिंग और कपड़े आपके गीले होते हैं. फिशर में अत्यधिक प्रमाण में वेदना होती है और पाइल्स में अत्यधिक प्रमाण में ब्लीडिंग होता है. ये तीनों के लक्षण सिंपली भाषा में मैंने आपको समझाया है. तो इन सब तमाम बीमारियों को जांच करने के लिए हमारे यहाँ पर हम एडवांस गुड एंडोस्कोपिक के माध्यम से, दूरबीन के माध्यम से जाँच करते हैं, जिसको वीडियो एंडोस्कोपी कहा जाता है, और उससे कौन सी स्टेज है उसके अनुसार आपका ट्रीटमेंट किया जाता है. अगर शुरुआत की अवस्था है तो शुरुआती अवस्था में किसी भी प्रकार के ऑपरेशन की, किसी भी प्रकार के लेज़र की आवश्यकता नहीं है. इसके लिए हमारे यहाँ पर आयुर्वेद की रिसर्च मेडिसिन बनाई है, जिसमें इनिशियल स्टेज में अगर आप आते हैं, आपका निदान करते हैं तो आपको दवाई से ही आराम लगता है और आप OPD बेस्ड ट्रीटमेंट लेके घर जा सकते हैं. अब रहा जिनकी एडवांस स्टेज है, जैसे पाइल्स 3rd स्टेज में, 4th स्टेज में है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हम लोग लेज़र के माध्यम से ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें कोई चीरा नहीं, कोई टाका नहीं, कोई कट नहीं है और कोई काटपीट न होने से वहाँ पर दर्द नहीं होता है. हार्डली 10 से 15 मिनट का ट्रीटमेंट होता है. मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हमारे यहाँ सैटरडे को आते हैं, संडे को आराम करते हैं घर पे और मंडे को अपना ऑफिस ज्वाइन करते हैं. तो ये ऑफिस प्रोसीजर है, इसमें ज़्यादा दिन आपको एडमिट रहने की आवश्यकता नहीं, पोस्ट ऑपरेटिव डिस्कम्फर्ट भी नहीं रहता है. वैसे ही फिशर और फिशुला में भी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है. अब भगंदर की अगर हम बात देखेंगे तो बार बार होने वाले जो भगंदर व्याधि है या फिशुलास है, उसके लिए हमारे यहाँ पर लगभग 10 से 12 प्रकार के ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जिसमें लेज़र है जिसको फिलैक कहते हैं, जिसमें फिशुला के बाहरी छिद्र से जाके अंदर के छिद्र तक जाकर हम लोग लेज़र से एब्लेशन करते हैं. इसमें किसी भी प्रकार की मसल को काटा नहीं जाता, इसलिए लोगों के मन में जो डर है कि हमारा ऑपरेशन होने के बाद हमारा मांसपेशियों का
नियंत्रण खो जाता है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि लेज़र के माध्यम से आपकी किसी भी प्रकार की पेशी को काटा नहीं जाता। इसमें सिर्फ लेज़र की एनर्जी से आपकी जो फिशुला ट्रैक्ट है उसको मात्र एब्लेट किया जाता है। तो ये एक सबसे अच्छा फ़ायदा है। और बार बार होने वाले फिशुला जो है, इसमें हम लोग इफ्टाक नाम की एक पद्धति करते हैं। इफ्टाक यानी इंटरस्पेक्शन ऑफ फिशुला स्ट्रैक एंड शारसूत्र लाइगेशन, जिसमें एक विशिष्ट प्रकार का आयुर्वेदिक मेडिकेटेड सेटोन होता है जिसको आयुर्वेद शारसूत्र कहा जाता है। इसका हम एप्लीकेशन करते हैं और ये भी ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है, इसमें भी एडमिट होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा हम जो है लिफ्ट लाइगेशन ऑफ इंटरस्फिंक्टरिक ट्रैक, एक विशिष्ट प्रकार का ऑपरेशन होता है, वो करते हैं। फिशुलोक्टॉमी का ऑपरेशन लेजर के माध्यम से करते हैं। तो तमाम जो फिशुला की जो ट्रीटमेंट है वह उसकी स्टेज देखकर, कौन से प्रकार का फिशुला है, कितने दिन से है, ये जानने के बाद उसके ट्रीटमेंट लाइन अप की जाती है। पर दर्शकों से मेरा यही कहना रहेगा कि आप बीमार होने के बाद तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। आपको किसी भी प्रकार की अगर समस्या होती है, आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, ब्लीडिंग होता है, गुदभाग में पेन होता है, दर्द होता है, इसके अलावा जो कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी संबंधित मैडम ने आपको बताया है कि जिन महिलाओं को खांसते समय, छींकते समय यूरिन होती है, पेशाब निकलती है, ऐसे महिलाओं को कॉस्मेटिक लेज़र गायनेकोलॉजी का उपचार है। तो ये सब तमाम बीमारियों के लिए लेज़र के माध्यम से हम अभी आराम पा सकते हैं। तो ज़रूरत है जल्द ही आपका निदान करने की और तुरंत स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाने की, जिससे आपकी समस्या का समाधान होगा। खुद अपने डॉक्टर ना बने, तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाए और सुखी रहे, स्वस्थ रहे। जय आयुर्वेद। नमस्ते, मैं डॉक्टर पूजा प्रवीण सहावे, अभ्युदय पाइल्स लेज़र हॉस्पिटल की संचालिका। पिछले 12 सालों से हम गुद रोग के जो रुग्ण हैं, जिसमें पाइल्स, फिशर, फिशुला, पाइलोनिडल साइनस, इन सभी का अत्याधुनिक लेज़र से उपचार कर रहे हैं। साथ में हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हमारे यहाँ कॉस्मेटिक लेज़र गायनेकोलॉजी, यह सेवा भी हमने पेशेंट को अभी शुरू की है, जिसमें पेशेंट को भर्ती होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेशेंट ओपीडी बेस पर आ सकता है और 15 से 20 मिनट में विदाउट एनेस्थीशिया, पेनलेस, ऐसी ये ट्रीटमेंट है जो लेकर पेशेंट चलते चलते ही घर जा सकता है, जिसमें एक पेशेंट को एडमिट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 15 से 20 मिनट में पेशेंट आए, अपना प्रोसीजर करे और घर जाए हंसते हंसते। अब कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी किस पेशेंट में किया जाता है? जैसे एक से दो बार महिलाओं में नॉर्मल डिलीवरी जब होती है, तो वहाँ की जगह जब मांसपेशियाँ ढीली पड़ जाती है, बार बार महिलाओं में होने वाले जो सफ़ेद पानी इन्फेक्शंस हैं, इसमें हम कॉस्मेटिक गायनेको लेज़र करते हैं। स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, मतलब जो महिलाएं हैं उनको खांसते वक्त, छींकते वक्त या अपने शरीर से भारी वजन उठाते वक्त अपने आप पेशाब निकल जाती है, इन सारों में ही हम कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी से लेज़र से हम इसका उपचार करते हैं। और इसी के साथ साथ हेयर रिमूवल, टैटू रिमूवल, जैसे हमको टैटू हमने बना लिया है पर हमको टैटू नहीं चाहिए, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ पर लेज़र से टैटू रिमूवल कुछ सेटिंग द्वारा हम अरेंज करते हैं, कि जिसमें कोई एनेस्थीशिया नहीं होता है, कोई पेन नहीं होता, कोई इन्फेक्शन नहीं होता, कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती और पेशेंट हंसते हंसते अपने घर जा सकता है। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।